पंजाबी फैशन डिजाइन विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कार्डिगन में पॉकेट बनाना। इसकी साइड पॉकेट हम सीखेंगे कि साइड में इसके पॉकेट कैसे रखी जाती हैं, नीचे से इसकी लेंथ कितनी रखनी है और टोटल पॉकेट की लेंथ कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी नीचे से हम लेंथ कितनी रखें। ये देखिए, ये यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक हमने बॉर्डर बनाया हुआ है। आप जितना भी चाहें नीचे से बॉर्डर उतना बना सकते हैं। जो भी हमारा डिज़ाइन है वो डालकर आपने बॉर्डर के ऊपर 2.5 तक आपने इसे बुन लेना है। उसके बाद आपने ये साइड में जितने भी फंदों की आपने पॉकेट रखनी है वो आप इसमें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह फंदों की पॉकेट रखी है। तो आप अपने हिसाब से ये पॉकेट की जो यहाँ पर हमने साइड में ये बनानी है पट्टी, वो अपने हिसाब से इसे रख सकती हैं। तो ये जो टोटल पॉकेट हमने बनानी है वो देखिए, यहाँ पर इसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे। अपनी पॉकेट की लेंथ जो है वो देखिए यहाँ से 5.2, ये देखिए 5.2 इंचेस रखनी है। अगर आपकी जो कार्डिगन है अगर वो नॉर्मल लेंथ की है तो आपने ऐसे उसे नीचे से मेज़र करके रख लेना है। अगर आपकी जो कार्डिगन है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है तो आपने ऊपर से इसे देखना है। ये देखिए, जहाँ से आपने इसकी शोल्डर कटिंग की है वहाँ से ये पॉकेट 6.5 इंचेस है। ये देखिए 6.5 इंचेस तक ये पॉकेट बनानी है। अगर यहाँ से 6.5 से ऊपर अगर आपकी ये पॉकेट चली गई तो इसमें अच्छे से आपका जो हाथ है वो फिट नहीं होगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। इसलिए अगर इसकी लेंथ आपके कार्डिगन की ज़्यादा है तो आपने इसे यहाँ से इसे मेज़र करना है, इसे 6.5 रखना है, शोल्डर कटिंग से इसे 6.5 रखना है। इसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इसका पीछे का जो हिस्सा है, जो भी आपने कार्डिगन बनाना है उसका पीछे का हिस्सा पहले आप बुन लें, उसके बाद ही इसके आगे के हिस्से आप बुने। पहले आप इसका जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है वो पहले आप बुन लें, उसके बाद आप इसका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा बुने, तो फिर ये बुनने में कार्डिगन काफ़ी इजी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ, ये देखिए ये बॉर्डर है और ऊपर 2.5, ये देखिए बॉर्डर से 2.5 तक मैंने इसे बुन लिया है। अब यहाँ से हम अपनी पॉकेट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये मैंने राइट साइड इसका पहले बुन लिया है, ये लेफ्ट साइड है, ये देखिए। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसकी 6 जो फंदे हैं वो मैं इसके पॉकेट के बुनूंगी, उसे मैं वैसे ही बुनूंगी जैसे मैंने नीचे ये बॉर्डर बुना हुआ है। पहला फंदा इसका उल्टा है, इसे उल्टा ही लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये देखिए
छह फंदे मैंने इसके वैसे ही बुन लिए जैसे हम नीचे इसके बॉर्डर के बुनते हैं। अगर आप इसका जो बॉर्डर और डिज़ाइन है वो देखना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट में आप इसे देख सकते हैं। आगे मैं इसका जो हमारा डिज़ाइन है वही डालूंगी। अगर आप इसका डिज़ाइन और बॉर्डर देखना चाहते हैं कि कैसे बनेगा ये, तो आप इसे नीचे जो फर्स्ट पार्ट है वो इसे देख सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ये इसका बॉर्डर है। ये देखिए, ये देखिए फिर से हमारे पास वही 6 फंदे आ गए हैं। इसमें आपने क्या करना है, जो उल्टे फंदे हैं उस पर सीधा फंदा बनाएंगे और जो सीधे फंदे हैं उस फंदे पर हम उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर से सीधी तरफ आ गए हैं, ऐसे ही फिर से स्टार्ट करेंगे। जो सीधा फंदा है उसके ऊपर उल्टा फंदा बनाएंगे और जो उल्टा फंदा है उसके ऊपर सीधा फंदा बनाएंगे। 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। आगे हम अपना डिज़ाइन डालेंगे। ऐसे ही हम इसकी ये जो लेंथ है पूरी, उसे ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। इसकी लेंथ 5.2 इंचेस है, वो हम पूरी बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब हम अपनी ये वाली, ये देखिए पॉकेट की बैक साइड में जो बनेगा वो कैसे बनाएंगे। देखिए आप, ये इसकी रॉन्ग साइड आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ये नीचे की साइड से इसको रॉन्ग साइड से ऐसे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ये जो इसका बॉर्डर है, यहाँ से हम इसके फंदे उठाना शुरू करेंगे। एक एक फंदा हम इसका उठाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक ऐसे, अब आगे की साइड का एक फंदा, दो, तीन, ऐसे ही हम ये देखिए इसको ऐसे पकड़ लेंगे और इसका एक एक फंदा उठाते जाएंगे। इसमें आपने फंदों का कोई भी ये नहीं है कि आपने इसके कितने फंदे उठाने हैं, इसमें कोई भी ये रिक्वायर्ड नहीं है। आप जितने भी फंदे इसके उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। जितनी पॉकेट की आप इसकी चौड़ाई लेंथ रखना चाहते हैं वो उतने ही आप इसके फंदे उठा सकते हैं। इसको आप ज़्यादा बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं पॉकेट को। अगर इसकी चौड़ाई आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो कम फंदे उठा लीजिए। अगर थोड़ी सी बड़ी बनाना चाहते हैं तो इसके आप ज़्यादा फंदे उठा लीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर साबूदाना डिज़ाइन का बॉर्डर डाला था, इसलिए थोड़ा सा ये फंदे इसके उल्टे वाले, एक नीचे की तरफ आ रहा है एक ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर सिंपल बॉर्डर या कोई और बॉर्डर होगा तो उसके फंदे उठाना थोड़ा सा ईजिली हो जाएगा, इजी
देखिए ये हमने यहाँ तक इसके मैं इसके यहाँ तक फंदे उठाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक इसके फंदे उठा लूँगी। कम से कम आप इसकी लेंथ जो है वो 4 इंचेस रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी 5.23 ऐसे रख सकते हैं। बाकी इसकी जो भी पॉकेट की चौड़ाई होगी उसकी लेंथ जो है वो आपके कार्डिगन के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। अगर बड़ा होगा कार्डिगन तो थोड़ी सी बड़ी पॉकेट भी बन सकती है। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसके ये फंदे उठा लिए हैं, ये वाला भी उठा लेंगे। ये देखिए 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20। इसके थोड़े से मैं फंदे 2-3 फंदे कम कर दूंगी, थोड़ा सा इसको मैं इसके 40 फंदे ही उठाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक हमने इसके 40 फंदे उठा लिए हैं। नीचे से ये देखिए ये पॉकेट जो है वो 2 तरह से बनती है, इनर पॉकेट इसको बोलते हैं। ये 2 तरह से बनती है, इसको आप ऐसे फंदे उठा के भी बना सकते हैं या इसको अलग से बनाकर भी आप लगा सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस पॉकेट को बनाएंगे। अलग से भी बना सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये अलग से हम नया वाला ऊन इसके साथ स्टार्ट करेंगे हम बनाना। ऐसे लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब इस सारी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जो भी आपके फंदे हैं सभी फंदे हम उल्टे उल्टे इसके बना लेंगे। ये देखिए ये हमने इसके बाहर की साइड में जो इसका आएगा वो उल्टे फंदे रखे हैं और अंदर की साइड में ये सीधे फंदे रखे हैं। आप जो भी इसकी साइड बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए, चाहे बाहर की साइड आप इसके उल्टे फंदे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर की साइड में सीधे फंदे रखे हैं और बाहर की साइड में उल्टे फंदे रखे हैं। ये देखिए ये जो हमारी इनर पॉकेट होती है ये काफ़ी यूज़फुल रहती है, क्योंकि ये साइड में बनती है तो देखने में भी अच्छी लगती है। इसे आप लेडीज़ कार्डियन में, जेंट्स स्वेटर में रख सकते हैं, जैकेट वगैरह में बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी यूज़फुल होती है। इसमें काफ़ी सारा आपका कोई भी सामान मोबाइल वगैरह आ जाता है। ये देखिए ये 2 तरह से बनती है। ये एक तरीका मैं आपको इसका अभी बता रही हूँ, एक जो दूसरी तरह से बनेगी वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि कैसे बनती है, वो भी अलग से बनाकर इसको कैसे अटैच करते हैं। ये देखिए हमने अपने 40 फंदे जो सारे उठाए थे वो उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी साइड में ये देखिए ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये इसके अंदर की साइड है,
ये देखिए फिर से ये सारी रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे और यहाँ तक जहाँ तक हमारी रिक्वायर्ड लेंथ थी यहाँ तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी लेंथ हम उल्टे और सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कैसे इसको अटैच करना है साथ में। ये देखिए जब ये बन जाएगी तो यहाँ पर हम ऐसे अटैच कर लेंगे इसको और साथ में यहाँ से हम इसको सुई की सहायता से यहाँ से इसको हम हाथ से सिलकर अटैच करेंगे। तो आपको सारा बताऊंगी कि कैसे करना है आगे। यहाँ तक आप बुनकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड हमने अपनी ये पॉकेट की जो भी हमें रिक्वायर्ड लेंथ है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये हमारी जो हमने पॉकेट बनाई थी और ये वाला पार्ट ऐसे साथ में रख कर देखेंगे ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। ये देखिए ऐसे। अब देखिए इसको ऊपर कैसे अटैच करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए अब आप इसकी सीधी साइड में आ जाइए जहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है और ये वाला पार्ट जो हमारी पॉकेट का है इसके साथ में ही इसको हम बुनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इसका डिज़ाइन चाहे ये वाला डिज़ाइन हो या कोई और जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में डिज़ाइन डाल रहे हों उसी डिज़ाइन के साथ में ही ये साथ वाली जो पॉकेट हमने बनाई है पीछे की साइड में ये इसके साथ में ही इसको बुनेंगे। इसको हमने सुई की सहायता से इसको अटैच नहीं करना है, इसके साथ में ही हम इसको बुनेंगे और आपका डिज़ाइन जो भी आप जैसे भी डाल रहे हैं वो सेम कंटिन्यू होगा। उसमें कोई भी आपने चेंजेस नहीं करनी है, ऐसे नहीं है कि इसको सीधी फंदों के साथ आपने इसको अटैच करके बुनना है, ऐसे नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको अटैच, आपका बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी पॉकेट पीछे अटैच की हुई है। देखिए अब क्या करेंगे, ये आगे का साइड जिसमें हमारा डिज़ाइन डला हुआ है वो लेंगे और पीछे ये दूसरी पॉकेट वाला ऐसे साथ में दोनों सिलाई एक साथ में हम ऐसे ले लेंगे। और ये देखिए ये पीछे वाली पॉकेट के साथ जो ऊन थी उसको हमने छोड़ देना है और आगे वाली जो हमारा पार्ट है उसके साथ जो हमारा ये जा रही है ऊन उसके साथ में इसको बुनेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो भी आपका डिज़ाइन हो उसको आप सेम ही डालेंगे। ये देखिए पहले हम इसको ऐसे डालते आ रहे हैं सिंगल ही सिलाई पर जैसे नॉर्मली हम बुनते हैं बुनते आ रहे हैं, इसमें हमने क्या करना है डबल डबल इसके फंदे लेते हुए इसको साथ में हम बुनेंगे। ये देखिए जैसे हमने ये पहले दो फंदे जो हैं वो उल्टे बनाने हैं तो एक पीछे का फंदा एक आगे का फंदा एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ ऐसे उल्टा बुनेंगे। और फिर से आगे पीछे का फंदा पहले लेंगे और आगे का फंदा फिर से दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन वही डालना है जो आप डालते आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस फर्क इतना है कि आपने एक फंदे की जगह दो दो फंदे एक साथ बुनने हैं। आगे के डिज़ाइन में हमने यहाँ पर जाली डालनी है और दो फंदों का एक फंदा बनाना है यहाँ पर जाली डालते हुए। तो कैसे करेंगे, ये एक ये वाला फंदा और एक पीछे वाला फंदा दोनों एक साथ ले लेंगे और फिर आगे वाला ये वाला फंदा और फिर पीछे वाला फंदा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो फंदे रहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अब चार फंदे हो जाएंगे। अब क्या करना है, चारों फंदों को ऐसे आगे की सिलाई पर लेकर आएंगे और ये देखिए जाली डालते हुए चार फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे और ये देखिए एक पीछे का फंदा और एक आगे का फंदा दोनों को एक साथ उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर से ऐसे ही दो फंदों का एक फंदा और फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है और ये दो फंदों का एक फंदा बनाना है। तो वैसे ही लेंगे, चार फंदे लेंगे, एक फंदा आगे वाला एक फंदा पीछे वाला, फिर से एक आगे वाला फंदा एक पीछे वाला, ये चार फंदे हो गए। तो इसको चारों फंदों को आगे की सिलाई पर ऐसे लेकर आएंगे और चार फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाली डालते हुए। ये मैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपको बता रही हूँ।
आगे जब भी आपने ये वाला ऐसे बनाना है, इसको पॉकेट को बंद करना है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से आप इसको बुनते जाइए। जहाँ पर आपके दो फंदों का एक फंदा होगा वहाँ पर ये फोर फंदे इसके होंगे, एक आगे वाला लेना है, एक पीछे वाला। ये देखिए फिर से हमने यहाँ पर ये दो फंदों का एक फंदा बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आगे वाला एक फंदा लेंगे, फिर पीछे वाला एक फंदा लेंगे, फिर आगे वाला एक फंदा, फिर पीछे वाला एक फंदा। ये फोर फंदे हो गए। चारों फंदों को ऐसे वापस सिलाई पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए ये देखिए फोर फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से इस साइड से अब दो फंदों का एक फंदा हमने बनाना है, तो पहले ये वाला फंदा लेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। कंटिन्यूसली आपने फंदे इसके लेने हैं, पहले एक फंदा आगे वाला लेंगे, फिर पीछे वाला। ये देखिए अब चारों फंदे वापस इसी सिलाई पर ये देखिए लेकर जाएंगे। धागा पीछे ही रखते हुए ये देखिए फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब फिर से हमने यहाँ पर जाली बनानी है और ये दो फंदे एक साथ ले लेंगे, चाहे इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आगे लेकर आइए, दोनों फंदों को एक साथ एक फंदा बना दीजिए। अब फिर से हमने ये दो फंदों का एक फंदा बनाना है, धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले ये वाला फंदा, फिर ये वाला। अब ये वाला फंदा पहले उतार लेंगे इस साइड में, जब हम बनाएंगे तो पहले पीछे वाला ही फंदा लेंगे, लास्ट में इस साइड में ये जो फंदा आएगा वो लेंगे। ये देखिए अब फिर से वापस इसी सिलाई पर इन फंदों को, चारों फंदों को लेकर जाएंगे। और इस साइड से, इस साइड से फोर फंदों का एक फंदा बना देंगे। और फिर यहाँ पर हमने जाली बनानी है, धागा पीछे रखते हुए ये दो फंदे एक साथ लेंगे और जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा। फिर से उल्टे फंदे दो बनाने हैं, तो ये देखिए एक पीछे वाला फंदा। हर बार ऐसे ही आपने आगे इसके दो दो फंदे साथ में लेते हुए बुनते जाना है। जो भी आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके फंदे बुनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जाली डालते हुए चार फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब एक फंदा सीधा, ये देखिए ये सारे फंदे हमने ऐसे ही बना लेने हैं। और हमारा डिज़ाइन देखिए बिल्कुल जैसे हमने इसका बुनते आ रहे हैं वैसे ही ये बन रहा है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं की है, हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम इसे बनाते आ रहे हैं। जहाँ पर हमारा एक फंदा था वहाँ पर हमने पीछे का फंदा साथ में लेते हुए इसको डबल बुना है, जहाँ पर इसके दो फंदों का एक फंदा बनाना था वहाँ पर हमने एक एक पीछे का फंदा, दो फंदे पीछे की साइड से, दो फंदे आगे की साइड से लेकर इसके फोर फंदे बनाए हैं। तो आगे जो भी आपका डिज़ाइन है वो आप कंटिन्यू कर लीजिए, जो भी आप बना रहे हैं स्टार्टिंग से, चाहे ये वाला डिज़ाइन हो, चाहे जो भी आप अपना डिज़ाइन बना रहे हो वो वाला। अगर आप ये वाला डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इसकी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी सीख सकते हैं। अब आप ऊपर जो भी आपका डिज़ाइन है वो आप ऐसे ही स्टार्ट कर लीजिए, बस आपकी जो पॉकेट है वो बन गई है। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये पीछे की साइड से इसको हम सिलाई से सिलेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सिलेंगे हम। ये देखिए कितने अच्छे से ऊपर हमारा डिज़ाइन जा रहा है और बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि कहाँ से हमने इसे अटैच किया है पॉकेट को। ये देखिए आगे से वैसे ही हमारा डिज़ाइन कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए ये इसकी बैक साइड है। अब देखिए यहाँ से हमने ये जो इसका साइड वाला पार्ट है इसको हम
सुई की सहायता से इसको अटैच करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये मैं स्वेटर सिलने वाली सुई लूँगी और ये वाला जो हमने नीचे से धागा छोड़ा था, जो स्टार्टिंग की थी हमने पॉकेट की, तो इसको धागे को सुई में डाल देंगे। अब देखिए यहाँ से ऐसे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे पॉकेट को, और यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए ये वाली हमारी जो रॉज आ रही है डिज़ाइन की, इसके साथ साथ में हम इसको ये देखिए सिलेंगे। इसको आपने छोटे छोटे स्टेप लेते हुए सिलना है। ये देखिए यहाँ से हम इसे सिलेंगे। अब देखिए ये वाला अंदर के साइड वाला जो इसका फंदा होगा, उसके साथ में इसको लेते हुए ऐसे हमने इसको सिलना है। ये देखिए इसको आप नीचे रख कर ही सिलें तो काफ़ी अच्छा सिला जाएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पर हाथ में पकड़कर आपको दिखा रही हूँ कैसे सिलेंगे। अब देखिए अंदर की साइड वाले ये ऐसे फंदे लेते हुए इसको सिलना है। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप हमने इसके ये उठाने हैं, बड़ा स्टेप नहीं उठाना है। तो नहीं तो इसमें से कोई भी आप जो भी अपनी पॉकेट में डालेंगे कुछ भी, तो वह छोटी सी कोई भी चीज़ होगी तो वो गिर जाएगी, आसानी से पॉकेट से निकल जाएगी। तो आपने ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेकर इसको सिलना है। अंदर की साइड वाले ही स्टेप आप उठाइए कि आपका ये जो आप धागा यूज़ कर रहे हैं इसको सिलने के लिए, ये बाहर की तरफ हमको दिखना नहीं चाहिए। तो हम इसके ये अंदर वाला जो धागा होगा उसको ऐसे ऊपर से उठाएंगे और इसको सिलेंगे। ये देखिए ये हमारा धागा बिल्कुल भी बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए ऐसे ही ये छोटे छोटे स्टेप लेते हुए सारी पॉकेट को आप सिल लीजिए। इसको धागे को एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा सा खींचते हुए ही इसको सिलिए। नहीं तो ये पॉकेट जो है वो सफाई से नहीं बनेगी और इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पे, काफ़ी सारा पार्ट इसका इकट्ठा हो जाएगा। तो आपने ऐसे इसको थोड़ा सा ही, जितना ये ज़्यादा खींचे ना उतना ही धागा आपने इसका खींचना है। ये देखिए फ्रेंड हमने इसे यहाँ तक सिल लिया है। ये देखिए ऐसे। अब देखिए आगे की साइड में बिल्कुल भी इसकी जो सिलाई है वो दिख नहीं रही है, बिल्कुल भी अंदर ही आ गई है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ये जो साइड में इसके पॉकेट है, नीचे से हमने स्टार्ट की थी और यहाँ से हमने ये पॉकेट बनाना इसको स्टार्ट किया था, तो जो इतना पार्ट है एक बार हम रफली इसको सिल लेंगे। फिर इसको पीछे के साइड में जो पीछे वाला इसका बैक साइड है उसके साथ हम इसको सिलेंगे। एक बार इसको रफली हम ऐसे सिल लेंगे। जस्ट इसको हमने थोड़ा सा अटैच ही इसके साथ करना है, तो ऐसे ये देखिए इसको यहाँ तक सिल लेंगे।
देखिए इसके साथ ये अटैच हो गया है। ये देखिए अब इसको पीछे की साइड से हम अटैच इस पॉकेट को कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये नीचे हमने जो इसका धागा छोड़ा था इसको बुनते टाइम नीचे फंदे डालते टाइम तो वो हम डाल लेंगे इसमें। अब हम आगे के हिस्से को पीछे के हिस्से के साथ अटैच करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। ये ऐसे पहले हम इसको एक साथ ले लेंगे, ये पीछे का हिस्सा है ये आगे का। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे इसको पकड़ लेना है और इसको हम यहाँ पर एक सेफ्टी पैन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये जो पार्ट है ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसका सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इस पार्ट पर नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है और यहाँ पर लगाएंगे। इसे आप चाहें तो कच्चे धागे के साथ भी थोड़ा सा कच्चा इसको सिल सकते हैं, लेकिन ये सेफ्टी पिन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसको आप इजीली हटा भी सकते हैं। जब आप जैसे जैसे सिलाई करते आएंगे तो इसको आप हटा भी सकते हैं। ये देखिए ये हमने अपने सेफ्टी पिन्स लगा दिए हैं अच्छे से। और अब क्या करेंगे ये देखिए, ये देखिए नीचे से हमने इसे इसका बॉर्डर जैसे हम नॉर्मली सिलते हैं वैसे सिल लेंगे। अब देखिए आगे क्या करना है। ये जो दोनों पार्ट हमने आगे की साइड के एक साथ ये अटैच किए थे, ये वाले दोनों पार्ट और पीछे वाला पार्ट, ये देखिए इन दोनों को ऐसे एक साथ लेंगे और जैसे भी आप अपना नॉर्मली कार्डिगन वगैरह या कोई भी स्वेटर वगैरह सिलते हैं वैसे ही आप इसको सिल सकते हैं। कोई भी सिलाई के साथ इसको सिल सकते हैं। ऐसे तीनों पार्ट को एक साथ रखेंगे और इसको ऐसे सिलेंगे। ये देखिए तीनों एक साथ लेते हुए जाएंगे। यहाँ तक हमने इसको अटैच किया था, वहीं तक हमने इसको एक साथ ऐसे तीनों पार्ट को सिलना है। ये देखिए ये अब सेफ्टी पिन हटा देंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने इसको अटैच करके रखा है तो ऐसे ये दो पार्ट ये वाले और एक पीछे वाला पार्ट, तीनों पार्ट एक साथ फिर से ले लेंगे और यहाँ तक हम इसको सिलेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने सिल लिया है इसे, जहाँ तक हमने इसको अटैच किया था इसकी पॉकेट यहाँ से हमने जो बनाई थी वो स्टार्ट हो गई है। अब हमने ये सेंटर का जो पार्ट है इसको ऐसे छोड़ देंगे और साइड वाले ये दोनों पार्ट ऐसे साथ में लेकर सिर्फ इसके साइड वाले पार्ट ही सिलेंगे। सेंटर वाला पार्ट इसका अब हमने नहीं सिलना है, इसको छोड़ देंगे। इसको हमने वहाँ तक सिलना है जहाँ तक हमारी पॉकेट
हमारी ये देखिए यहाँ तक पॉकेट है, यहाँ तक हमने सिर्फ इसके दो पार्ट ही सिलने हैं, साइड वाले सेंटर वाला पार्ट इसका छोड़ देंगे। ये देखिए अब ऊपर यहाँ तक हमारी पॉकेट है, तो ये देखिए ऊपर ये वाले पार्ट एक साथ अटैच कर लेंगे और फिर से ये तीनों पार्ट एक साथ हम सिलेंगे। और फिर से हमने तीसरा पार्ट भी जो ऊपर है वो साथ में इसके सिल लेना है। ऊपर हमने इसको थोड़ा सा ही बनाया है तो थोड़ा सा ही पार्ट इसका आएगा। ये देखिए ये हमारी पॉकेट सिल गई है। ऐसे आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे तो हमारे सेफ्टी पिन्स हम हटाएंगे। ये सेफ्टी पिन लगाने का यही फ़ायदा है कि आपका जो कार्डिगन है बिल्कुल परफेक्ट इसकी स्टिचिंग होगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, ज़रा सा भी इसका डिज़ाइन जो है वो परफेक्टली बनेगा। ये देखिए हमारी पॉकेट अच्छे से परफेक्टली कार्डिगन के साथ अटैच हो गई है, ऊपर से लेकर नीचे तक दिखिए, और ये बनकर ऐसी दिखेगी। बहुत ही अच्छी बनती है ये पॉकेट, देखिए अच्छे से मेरा हाथ इसके अंदर जा रहा है पूरे का पूरा, काफ़ी सारी लेंथ है। ये देखिए ऐसे बनकर ये दिखती है, तो देखिए। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।